और इतनी कम उम्र में आप 4 लाख रुपया हार कैसे गए? उसके वजह से हम ज़्यादा थोड़ा हार गए, तो उसके बाद हम क्या किए, अपने मम्मी के अकाउंट से हम पैसा निकाले। मम्मी के अकाउंट से पैसा निकालने के बाद हम मम्मी के अकाउंट में लगभग उसको हम एक दिन में ही 1,000 रुपया हार गए। आज हम 4 लाख के लॉस में हैं। तो ये 4 लाख रुपया आया कहाँ से? पहली बार मम्मी के अकाउंट चोरी किए, चाहे मांगे जैसे भी किए, तो ये धीरे धीरे 4 लाख रुपया आता कहाँ से? मतलब पैसे का जुगाड़ कहाँ से होता है? पैसा बेटल में लगाने के लिए आप मम्मी का सैलरी उठा लेते थे। जी। ये 4 लाख रुपया टोटल कितना समय में आप हारे हैं? 1 महीना में, 2 महीना में, कितना समय गेम खेले आप? आखिरी बार जो बेटल में पैसा लगाए थे कितना दिन पहले लगाए थे? आखिरी बार हम 4-5 दिन पहले लगाए थे 30,000। 30,000? आगे हम डेली एडिक्शन होते गए, खेलते गए, सोचे क्या मम्मी जीत के मम्मी को जो पहले वाला जो हारे ना वो भी मम्मी को दे देंगे तो मम्मी भी खुश हो जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग एक इंसान को किस हद तक लेके जा सकता है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मात्र 16 साल के बिहार के सुपौल का एक लड़का है जो 16 साल की उम्र में पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था। हमारे हाथों में लगभग ऐसे 20 सर्टिफिकेट है जो स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, जिला के द्वारा, नेशनल के द्वारा जो है कि सम्मानित किया गया है। और इतना टैलेंटेड लड़का लगभग 4 लाख रुपया ये ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका है। आखिर ये 4 लाख रुपया 16 साल की में आया कहां से और ये कैसे ये ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में दलदल में फंसते गए, कैसे ये जो है कि उस पैसे को हार गए, इन सभी मुद्दों पे इस लड़के से बात करेंगे। आखिर इनके माँ बाप घर से क्यों निकाल दिए हैं, इनके माँ बाप इनका साथ क्यों छोड़ दिया इस 16 साल के लड़के का, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक कहाँ के रहने वाले हो? मैं सुपौल जिला का रहने वाला हूँ सर। सुपौल जिला के रहने वाले हैं, अभिषेक नाम है, और इतनी कम उम्र में आप 4 लाख रुपया हार कैसे गए? जी इसका तो पहले मैं 1 साल इसका हो गया प्रोसेस हारते, इसका हुआ कि पहले हम टेलीग्राम ज्वाइन किए थे, इसका ऐड देखते, उस पर टेलीग्राम ज्वाइन किए, कोई से गेम आया उसका हम नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो गेम में हुआ कि पहले हम 100 रुपया छोटे अमाउंट से ही शुरुआत पार्टिसिपेट किए थे, उसमें हम 100 रुपया लगाए तो शुरू में हम जीते, 1,000 रुपया के लगभग जीते हम, उसको निकाल लिए हम। अच्छा। उसको निकालने के बाद क्या हुआ, फिर वही 1,000 रुपया हम तुरंत उसमें लगा दिए। अच्छा। फिर लगा दिए, फिर लालच बढ़ गया, लालच बढ़ गया, फिर क्या हुआ कि वो 1,000 रुपया हम हार गए, फिर हारते गए धीरे धीरे, फिर उसके नेक्स्ट टाइम क्या उससे हम ज़्यादा अमाउंट लगाए, उससे ज़्यादा अमाउंट लगाए, सोचे क्या पिछले वाला जो हारे हैं वो मेरा कवर हो जाएगा, लेकिन वो भी हम हार गए। ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आप क्या होगा इसके ना एडिक्शन हो जाएगा आपको, आप चाहिएगा कि हम पहले वाला कवर कर लें, और कवर करने के चक्कर में ही आप जो भी अमाउंट आप लगाइएगा वो सब हारते चले गए इसमें। मतलब 100 रुपया लगाए थे और 1,000 जीत गए थे, और उस 1,000 को लगाते गए और रिकवर करने के चक्कर में 1,00,000 रुपया बर्बाद कर। जी। तो ये आपकी उम्र क्या है अभी? जी मेरी उम्र अभी 16 साल है। तो 16 साल की उम्र में अभी आप पढ़ाई करते हैं, कमाते तो है नहीं, तो पैसा आता कहाँ से आपके? पैसा इसके सबसे पहले तो हम 1,000 रुपया छोटी अमाउंट थी तो वो हम कहीं से जुगाड़ कर लिए थे, उसके वजह से हम ज़्यादा थोड़ा हार गए, उसके बाद हम क्या किए, अपने मम्मी के अकाउंट से हम पैसा निकाले, मम्मी के अकाउंट से पैसा निकालने के बाद हम मम्मी के अकाउंट में लगभग 60,000 रुपया था, उसको हम एक दिन में ही 1,000 रुपया हार गए। 60,000 रुपये एक दिन में? एक दिन में हार गए। फिर थोड़ा सा हमको भी टेंशन होने लगा कि 7,000 अब क्या मम्मी को क्या बताएंगे नहीं बताएंगे, तो उसके बाद 3-4 दिन हो गया मम्मी को नहीं बताए, फिर मेरे स्कूल के एक टीचर हैं, वो टीचर को हम बताए सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, तो वो टीचर जो है मेरी दीदी को बताए, फिर दीदी बोली अच्छा अब जो हो गया है सो उस जो तो पैसा तो नहीं आ सकता है लेकिन अब तुम छोड़ दो, लेकिन हम फिर भी आगे हमको टेंशन हो रहा था कि 60,000 रुपया हारे, हम कहीं से भी 60,000 रुपया कवर करें, मतलब रिकवर करें। हमको तो दीदी लोग सब बोल दी थी कि आप हार गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो टेंशन मतलब दिमाग में नाच रहा था कि हमको ना 60,000 रुपया कवर करना है, और वो 60,000 रुपया कवर करने के चक्कर में आज हम 4 लाख के लॉस में हैं। तो ये 4 लाख रुपया आया कहाँ से? पहली बार मम्मी के अकाउंट से 60,000 चोरी किए, चाहे मांगे जैसे भी किए, तो ये धीरे धीरे 4 लाख रुपया आता कहाँ से? मतलब पैसे का जुगाड़ कहाँ से होता है? जी मम्मी का अकाउंट ना सरकार अभी कुछ काम करती है तो उसमें एक पैसा आते जाते रहता है, हम क्या करते हैं कि वो पैसा आता, जैसे ही पैसा आता हम तुरंत निकाल लेते, उसमें हम इतना पागल हो गए थे जैसे ही पैसा आता था तुरंत पैसा हम निकाल लेते थे। पैसा बेटल में लगाने के लिए आप मम्मी का सैलरी उठा लेते थे? जी। तो ये मतलब कितना पैसा एक दिन में लगाते थे? पर डे कुछ तो लगाते होंगे ना? पर डे कभी कभी एक दिन में 20,000, कभी कभी छोटा 1,000 भी लगाते थे, ऐसे कर लेंगे बहुत छोटा से लेके बड़ा जोड़ते सब अभी हम जोड़े तो 4 लाख अमाउंट हुआ टोटल। ये 4 लाख रुपया आप बर्बाद कर चुके हैं, माँ को आपके पता है, मम्मी पापा को पता है ये बात? मम्मी पापा को पता चला है अभी।
पता चला है जी। तो क्या बोले माँ बाप? मम्मी पापा अभी कुछ नहीं, अभी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आपसे कोई बात विचार नहीं है जी? अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि जो माँ बाप इस उम्र में हमारे लिए कमा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, और उनका पैसा आप गेम में लगा रहे हैं? पहले तो आप सोचते हैं कि हम नहीं हारेंगे, सोचते हैं कि हम पैसा लगा के हम जीत जाएंगे, मगर आप जीत जाएंगे फिर मम्मी को भी पैसा दे देंगे और कुछ जीतेंगे तो अपना ही पैसा रख लेंगे, लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है कि आप हार तो जाएंगे। जब आप हार जाइएगा उसके बाद आपको टेंशन होगा, आप सोचिएगा कि बेकार इतना अमाउंट हम लगा दिए। मतलब कि ये 4 लाख रुपया टोटल कितना समय में आप हारे हैं? 1 महीना में 2 महीना में कितना समय गेम खेले आप टोटल? पिछले बार जो दुर्गा पूजा था उससे लेके अभी तक, मतलब मोटा मोटी 1 साल हो रहा है। 1 साल जी। तो 1 साल में 4 लाख रुपया हारे जी। तो इस 16 साल की उम्र में आपको पैसा कमाने का लत कैसे लग गया कि नहीं हमको पैसा कमाना है? आपके माँ बाप तो कमा रहे थे ना, तो ये लत लगा कैसे आपको? जी पहले तो इसका ना ऐड देखते थे टेलीग्राम, हम ज्वाइन किए तो उसमें देखा बड़ा बड़ा अमाउंट दिख रहा था, जिससे वो 1.5 लाख जीत गए, 5 लाख जीत गए, 2 लाख जीत गए, हमको लगा कि वो जीत सकते हम क्यों नहीं जीत सकते हैं, फिर उसी देखते अगर ऐसे में ही हमको लत लग गया। अच्छा अभी हमारे हाथों में ये काफ़ी संख्या में सर्टिफिकेट है जी, ये किस विभाग का सर्टिफिकेट है? बहुत सर्टिफिकेट, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? ये सारा सर्टिफिकेट तो भी शिक्षा विभाग से ही संबंधित है। हाँ। जैसे ये हो गया स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा। ये BITM कोलकाता गए थे तो वहाँ सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा, कोलकाता भी गए थे जी। ये भी स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है। और ये RBI जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके तरफ से साइबर फ्रॉड के बारे में एक अभियान चलाया गया था, उसमें क्विज हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किए थे उसका है। ये विज्ञान ड्रामा का है। हाँ। और ये बिहार राज्य के बिहार दिवस 2023 में 111 वर्ष पूर्ण होने पर हम जो है शपथ लिए थे कि हम जाति धर्म में उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। ये NCERT रोल प्ले का है जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो DM सर है वो हमको दिए थे, यानी सम्मानित किए थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था आपको जी। मतलब सुपौल जिला में सबसे बेस्ट स्टूडेंट में से एक थे जी, और सबसे अभी बेकार स्टूडेंट हो गए? अभी तो हो गए इस चक्कर में, मतलब बैटल के चक्कर में, गेम के चक्कर में। ये क्या चीज का? ये तरंग मेधा उत्सव का है, इसमें भी क्विज हुआ था। ये भी BITM कोलकाता का ही है। ये अहमदाबाद का सर्टिफिकेट है। अहमदाबाद भी गए थे जी। अपने सुपौल बहुत पिछड़ा इलाका है, बाढ़ और हमेशा आता रहता, वहाँ का लड़का अहमदाबाद पार्टिसिपेट करने गया था जी, और वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला जी। बताइए। और ये स्कूल में ही आयोजित हुआ था कंप्यूटर साक्षरता दिवस के दिन। और ये भी 15 अगस्त का सर्टिफिकेट है। मतलब हर एक मौके पे आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट, जितना भी सारा कंपटीशन होता है स्कूल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक सारे में कंपटीशन पार्टिसिपेट किए हैं। ये भी विद्यालय लेवल का सर्टिफिकेट है। और ये पटना में आयोजित हुआ था रोल प्ले, उसमें प्रथम स्थान आया था। इसका ऑनलाइन क्यूज हुआ था, ग्रीन ओलंपियाड वाला है वो है। अच्छा अच्छा। ये भी इसका भी ऑनलाइन विज्ञान प्रदर्शनी हुआ था तो उसका है। इसका ये स्टेट लेवल का जो अहमदाबाद गए थे ना, इसी के थ्रू गए थे। पहले स्टेट में हुआ था तो स्टेट में फर्स्ट आए, उसके बाद अहमदाबाद गए। मतलब पूरे स्टेट में फर्स्ट आए जी। उसके बाद से आप नेशनल के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब बिहार से सिलेक्ट होकर के? बिहार से टोटल 40 स्टूडेंट गए थे तो उसमें एक आप हम थे। ये भी स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट है। और ये भी है जिसमें विज्ञान एवं गणित की 75वीं गतिविधियाँ की श्रृंखला, उसमें स्कूल में आयोजित हुआ था। और ये बिहार दिवस 2023 का है जो सुपौल जिला में विज्ञान प्रदर्शनी का है, उसमें भी सम्मानित किया गया था हमको। अच्छा अभिषेक, आपको अफसोस होता है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट था? टैलेंट तो अभी भी है, टैलेंट तो किसी का इंतजार नहीं करता है। तो आपको अफसोस होता है कि कितना अच्छा हम कर रहे थे और कहां से कहां फंस गए? ये अफसोस आप जब आप खेल रहे होंगे तो आपको तभी अफसोस नहीं होगा। ये अफसोस आपको तभी होगा जब आप हार जाएंगे ना, इसके बाद आपको लगेगा ये सब बेकार कर रहे हैं। तो अभी माँ बाप का वो 4 लाख कैसे चुकाएंगे? कभी सोचे हैं कि इतनी कम उम्र में हम पढ़ाई करना चाहिए, वो 4 लाख रुपया में आप कोई अच्छा पढ़ाई कर सकते थे, BCA कर सकते थे, बहुत सारे लोग BBA भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 4 लाख में छोटे कॉलेज से BTech तक कर लेते हैं। 4 लाख रुपया बहुत ना होता है जी? जी 4 लाख रुपया कमाने में लिए लोग 2-3 सालों का समय लगाते हैं। उसी वही पहले हम अगर 60,000 रुपया हारे थे, अगर उसको हम कवर अगर नहीं करना चाहते तभी हम मेरे पास 4 लाख रुपया का टेंशन नहीं होता। वही कवर करने के चक्कर में भी मेरे पास 4 लाख रुपया का टेंशन है, और हमको अभी टेंशन हो रहा है कि 4 लाख रुपया कैसे दे, लेकिन आगे पढ़ाई करेंगे कुछ बनेंगे उसके बाद। मतलब अभी भी दिमाग में है कि 4 लाख रुपया कैसे रिकवर करें? अब रिकवर गेम से तो नहीं करेंगे, आगे अपना पढ़ाई लेकर करके कुछ अच्छा
काम करने के बाद ही करेंगे, गेम तो अब नहीं खेलेंगे। और हम जो आगे जो अभी क्या है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो युवा हैं, जो क्या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ना ये गेम बैटल ऐप खेलते हैं। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी अभी के युवा सब हैं और छात्र, ज़्यादा इसमें छात्र ही अथी होते हैं, सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा भी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाएंगे। और जैसे मेरा दोस्त लोग भी है, कोई कोई है जो गेम ये सब खेलता है, वो सब ज़्यादा नहीं लगाता है, लेकिन हम ज़्यादा लॉस में पड़ गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये सब गेम नहीं खेलिए। इतना मतलब बहुत माँ बाप अभी बात नहीं होता तो आपको अफसोस नहीं होता यार कि माँ बाप बात करते हमसे? आप गांव पे रहते, आप पटना में दूसरे के पास रह रहे हैं, माँ बाप भी कॉल कर रहे हैं लेकिन हम कॉल नहीं उठा मतलब रहे। किस मुंह से बात करें, हम क्या कहें माँ बाप से? मतलब डायरेक्टली बताएं कि माँ मैं 4 लाख रुपया हार गया हूँ? जब भी डायरेक्ट नहीं बताने से, हम कॉल नहीं उठा रहे हैं मम्मी पापा का, मतलब शर्म आ रही है जी। तो मतलब इस में दलदल में फंसते गए, कोई समझाने वाला भी नहीं था? समझाने वाला था, लेकिन जब हम 60,000 रुपया हारे थे ना शुरू में, उसके बाद हमको दीदी बोली कि अब मत खेलो। लेकिन क्या बोले, जैसे ही आप खेलते जाइएगा ना, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। अभी आप कहाँ तक पढ़ाई किए? अभी हम 10th 2024 में पास किए हैं। अभी हम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल इंजीनियर। डिप्लोमा जी, तो डिप्लोमा का खर्च कौन उठा रहा है? डिप्लोमा खर्च अभी दीदी दे रही है। दीदी दे रही है जी, माँ बाप से नहीं मांगेंगे? एडमिशन कराने आए थे तो मम्मी पापा भी दिए थे। अभी माँ बाप से बात नहीं हो रहा है तो जो भी खर्च होता है वो कैसे आप चलाते हैं? अभी तो 4-5 दिन पहले से बात नहीं हुआ, उससे पहले पैसा देते थे मम्मी पापा जी। मतलब 4-5 दिन पहले ही पता लगा है जी। तो आप आखिरी बार जो बेटल में पैसा लगाए थे कितना दिन पहले लगाए थे? आखिरी बार हम 4-5 दिन पहले लगाए थे 30,000। 30,000 जी, 4-5 दिन पहले? पहले तो हम 20,000 रुपया लगाए थे, उसके बाद 20,000 से हम लगाए थे, उसके बाद क्या हुआ ना कि 10,000 रुपया हम फिर लगाए, सोचे कि 20,000 जो हारे हैं वो 10,000 रुपया से रिकवर कर लेंगे। 10,000 से हम 17,000 बनाए गेम में, फिर क्या हुआ कि 17,000 ना विड्रॉल हम कर लिए, उसके बाद क्या हुआ कि हम 2,000 लगाए, 2,000 क्या हुआ 2,000 हम हार गए, उसके बाद हम 5,000 डिपॉजिट किए, टोटल 7,000 रुपया वो 5,000 में हार गए। इसके बाद सोचे क्या 10,000 फिर लगाए, इस बार सोचे क्या 10,000 डिपॉजिट किए हैं, 20,000 हुआ फिर सारा विड्रॉ कर लेंगे, वो 10,000 भी हार गए 3-4 बैट में ही। अभी आखिरी बार आप 30,000 लगाए थे जी। तो माँ काम करती हैं, उनका पैसा आप चोरी से निकाल लेते हैं, पूछने नहीं जाते कि मम्मी पैसा निकाल, पूछते तो होंगे नहीं? मम्मी को बताते हैं, मम्मी अभी आपका पैसा हम अपने अकाउंट में रख लिए हैं, आपको ट्रांसफर कर देंगे 2-3 दिन में। तो घर का सब पैसा तो आप निकाल लेते, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अभी मम्मी का पैसा निकालें, पापा चलाते हैं। जब पापा भी जॉब में जी, तो मम्मी का निकाल लेते हैं, तो मम्मी पूछने नहीं जाती है? किसी महीना बैंक में जाती होती होंगी ना? मम्मी का पैसा ना कभी कभी आता है, 3-4 महीने से पहले मम्मी एक बताए थे तो मम्मी बोली अच्छा छोड़ दो अब जो हुआ सो हुआ। मम्मी भी हमको 2-4 बार सचेत किए, लेकिन इसके आगे हम डेली एडिक्शन होते गए, खेलते गए सोचे कि मम्मी जीत के मम्मी को जो पहले वाला जो हारे ना वो भी मम्मी को दे देंगे तो मम्मी भी खुश हो जाएगी। लेकिन तो आपको अभी अफसोस है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे जी? देखिए आजकल के सच में ये जो बेटल जो गेम होता है, जो ऑनलाइन गेमिंग होता है पैसा लगा करके पैसा जीतने वाला, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग इसका प्रमोशन करते हैं, उनको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जो देश के युवा है जो इसके दलदल में फंसते जा रहे हैं उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। 16 साल की उम्र में पैसा कमाने का लत इनको 4 लाख रुपया के कर्ज में डाल दिया। सोचिए कि आखिर ये लड़का इस उम्र में अगर अब इनके ऊपर 4 लाख रुपया का सोचिए कर्ज दिमाग में घूमेगा भाई? जब तक पढ़ाई करेंगे 4 लाख रुपया का टेंशन रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं इनके कैरियर के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। बताइए इतना सारा सर्टिफिकेट है, अगर इसको फैलाएंगे ना तो ये पूरा का पूरा जगह कवर कर लेगा, इतना सर्टिफिकेट है। और इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ये लड़का के अंदर काबिलियत है, और काबिल लड़का जो है कि इस कदर जो है कि बर्बाद हो चुका है सिर्फ और सिर्फ बैटल में। तो ये लड़का से बात करेंगे कि आखिर दूसरे लड़कों के लिए क्या, जो अभी लड़का पढ़ रहा है जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पढ़ रहा है उन लोगों के लिए क्या कहिए? अभी तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं अभी खेल रहे हैं जितना ही पैसा अगर आप हारे हैं तो आप आज से ही प्रण ले लीजिए आप कि आज के बाद हम नहीं खेलेंगे, अभी के बाद हम नहीं खेलेंगे। अगर देखिए सबसे बड़ा क्या है कि आजकल ना यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह ना ऐसे बेटिंग ऐप का जो है ना ऐड आता है। हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे ही यूट्यूब पर ऐड आए तो उसको स्किप ना करें, उसमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप उस ऐड पर जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कहीं हद तक जो है समस्या सॉल्व हो सकता है। मतलब स्किप लोग कर देते तो उसको रिपोर्ट करें जी, जो स्किप करने रिपोर्ट करने में जो 30 सेकंड समय लगेगा उतना आप समय देके अगर आप करते हैं जो आगे जो युवा सब है उसका भविष्य बच सकता है।
अभी हमारे साथ अभिषेक थे और 16 साल की उम्र में ये जो है कि कंगाल हो चुके हैं। इनको माँ बाप के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 16 साल की उम्र में इनको घर से निकाल दिए हैं। कितने भाई बहन हैं आप? अभी हम एक भाई और चार बहन। भाई में अकेले हैं जी। तो सबकी जिम्मेदारियाँ माँ बाप आपके ऊपर छोड़ेंगे कि बेटा बड़ा होकर के कमाएगा, घर के भाई बहन का शादी करेगा? जी अभी तो पढ़ाई में ही लगे हैं। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बाकी अभिषेक की मदद की ज़रूरत है, आप लोग भी आगे आ सकते हैं। बाकी आप इनके इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।